अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुसी सारे वधिया वधिया होंगे। आज की वीडियो का स्टार्ट जो है वो हनफा के साथ हमने किया है। हनफा भी सो के उठी थी तो इसके बालों के ख्याल से मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। नेचुरल कर्ली हेयर्स हैं इसके, तो माशाल्लाह सूट भी बहुत करते हैं ऐसे जैसे हमने परमानेंट परमिंग करवाई हुई है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, हनफा भी दो तीन दिन से थोड़ी डल हुई हुई थी, इसको थोड़ा टेम्परेचर था, गला पता नहीं क्यों ख़राब हो गया था, तो आज माशाल्लाह से फ्रेश है और जंपिंग जंपिंग कर रही है। कुछ इसकी खाला की शादी भी, इसलिए भी एक्साइटेड है। सब अम्मियों का फेवरेट डायलॉग, उठूँ मैं तब तक बच्चे अपनी समझते नहीं हैं। खैर, जैसा कि मैंने पहले बताया कज़न की शादी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियोस थोड़ी थोड़ी करके कुछ व्लॉग तैयार कर लिए जाएं, तो वो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। ये जी सुबह सुबह द्रास से हमें पार्सल रिसीव हो गए, तो अब इसको खोलते हैं, देखते हैं मैंने क्या मंगाया है। ये नीचे रख के खोलती हूँ। मेरे पास मिस रोज़ की फाउंडेशन थी, जैसे कि पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो बहुत नेचुरल सी लुक देती है। तो वो पिछले कज़न की शादी थी तो वो हो गई गुम, तो अब फिर कज़न की शादी आ रही है तो उसके लिए मुझे न्यू मंगवानी पड़ी, तो मैंने वही ऑर्डर की थी। तो अब देखती हूँ वही शेड आया है, उन्होंने कुछ और तो नहीं भेजता, तो शुक्र है मैं टाइवरी 6 ही उन्होंने भेजा था, यही मुझे मेरी स्किन पर सूट करता है। इससे ना बहुत नेचुरल सा फील होता है, मतलब लगता नहीं है कि आपने कुछ लगाया भी है, लेकिन स्किन भी नीट हो जाती है। तो मुझे बस उतना ही पसंद है, ये नहीं कि आपके फेस पे लेयरिंग हो जाए फाउंडेशन की, तो इतना मैं मेकअप नहीं करती, ना ही मेरे से बर्दाश्त होता है। तो जी हमारी फेवरेट फाउंडेशन होगी है मेरे रिसीव, तो अब शादी पर यही यूज़ करेंगे। ये वैसे गर्मी भी बहुत है तो पिघल पिघल जाना है सब कुछ, तो इसलिए भी हल्का सा मेकअप ही बेस्ट है। तो अब हम इसको करेंगे यूज़। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये ना थोड़ी सी मैट होती है, तो गर्मियों में तो ये बेस्ट है, क्योंकि पसीना भी आए ना तो इतना मेल्ट नहीं हो रही होती, मतलब टपक नहीं रही होती पसीने में ना। खैर मुझे फेस पे इतना आता भी नहीं है पसीना, और बाकी हम उसकी थोड़ी सी आइसिंग कर लेते होते हैं। तो लो जी मैं अपने हाथ हूथ गंदे कर लिए मैंने क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो बहुत मुश्किल होता है, तो अब दूसरे हाथ में मैंने लगाई थी। मैं क्या दिखा दूँ उंगलियों में और हाथ में कितना फ़र्क है, मतलब नीट हो जाती है स्किन ना, ज़्यादा फेयर की तो क्या ज़रूरत है, बस आपकी स्किन में एक नीटनेस आ जाती है, तो वही मेरे लिए इनफ है। तो जी ये हम अब करते हैं शादी की तैयारियाँ। चलिए जी हमारे साथ, तुसी भी आ जाओ अगर किसी को शादी खानी है तो। प्राइस मैं आप लोगों को पहले भी इसकी बता चुकी हूँ, इसकी 280-300 के राउंड अबाउट होती है, बट राज वालों के जो डिलीवरी चार्जेस हैं ना वो बहुत दुखते हैं, तो 130 डिलीवरी चार्जेस देना 280 चीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट ये मुझे फिर मिल भी नहीं रही थी कहीं से, तो इसलिए मुझे ऑर्डर करना पड़ा। चलें जी अब यहाँ पर जी मेरी कज़न जिसकी शादी है, मतलब ब्राइड टू बी, तो हम घर पे ही उसका फेशियल और ब्लीचिंग वगैरह कर रहे थे। पहले हमने हेयर ड्रायर उसको लगाया और साथ ही ना ब्लीच लगा के छोड़ दिया था कि सब कुछ पे वैक्सिंग भी इसकी मैंने ही की थी, तो वैक्स जो मैं यूज़ करती हूँ रिका वैक्स यूज़ करती हूँ, वैसे मुझे तो बहुत सूट करती है, लेकिन ये है कि रूम टेम्परेचर थोड़ा चिल होना चाहिए फिर ही ये सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देती है। तो हमने वैक्स को वैक्स हीटर में गर्म कर लिया था, तो अब मैं इसकी वैक्सिंग स्टार्ट कर रही थी। और जो वैक्स के लिए मैं स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ ना, वो मैं घर में ही बनाती हूँ, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ, और बड़े सस्ते पड़ जाते हैं और वैक्स बड़ी अच्छी होती है उससे ना, मीन्स बहुत नीट। रिका वैक्स तो वैसे ही बहुत अच्छी है, तो स्ट्रिप्स भी अच्छी हों तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हाय बहुत पेन होती है जब खींचते हैं, तो ब्राइड की भी यहाँ पर निकल रही थी चीखें, तो उसकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है, माशाल्लाह शी इज़ जस्ट लाइक अ डॉल, तो इस वजह से ना हम उसको बहुत केयर से, मैं तो डर डर के उसको वैक्स कर रही थी, मैं कहा कहीं उसके ना
कोई छिल छुली ना जाए स्किन, तो क्योंकि सेंसिटिव स्किन का भी तो उसको हैंडल करना भी ना बहुत मसला हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वैक्स हो गई थी, तो मेहंदी भी उसको मैंने ही लगाई थी तो क्योंकि मैं, मुझे लगता है सारे काम ही कर लेती हूँ अपनी मीट बन जाऊँ। तो उसको हमने ना घर पे रेडी किया था, पार्लर का हमने बचाया था खर्चा, तो पार्लर थे इन्हें जो पैसे देने से, तो इससे अच्छा फिर घर पे ही हम लोगों ने कर लिया था। तो फ़र्क देखें आप लोग दोनों। और ये जिसके हाथों पे मैंने मेहंदी का सेम डिज़ाइन बनाया था दोनों हैंड्स पे, क्योंकि अच्छा लगता है ना सेम में, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी मेहंदी, और मेहंदी का कलर बहुत प्यारा आया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो ये उसके हाथों की मेहंदी है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को उसके फीट की मेहंदी भी दिखा रही हूँ। तो दोनों फीट पे हम लोगों ने सेम ही लगाया था डिज़ाइन, तो ये उसके फीट्स का डिज़ाइन है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।